हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ समर प्लांट के जो सीड्स हैं उनकी कलेक्टिंग कर रही हूँ मैं। तो कुछ मेरे जो प्लांट्स हैं वो इस तरह से मैच्योर हो चुके हैं कि अब उनका जो डेड होने का टाइम जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये सिलोशिया का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है और लेमन शेड में इसका जो फूल है तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और आप इसके नीचे देखिए, यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक जो नज़र आ रहा है ये इसके सीड्स जो हैं बन चुके हैं, लेकिन प्लांट देखने में अभी बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है। तो इसके आप फूल देखिए, इनके जो कलर हैं और इनका जो फील है काफ़ी सॉफ्ट टू टच है और ये भी सिलोशिया ही है। तो देखिए इस तरह से जो इसके प्लांट होते हैं अलग अलग, इसमें शेप किसी में ये इस तरह से लंबे लंबे बंचेस में निकलते हैं तो किसी तरह में फ्लैट, इस तरह से इसकी जो फ्लावरिंग है होती रहती है और जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। और इसके जो सीड्स हैं बन चुके हैं तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके जो सीड्स हैं रख लेती हूँ। तो आप चाहो तो इनको अभी ग्रो कर सकते हो। और ये और मेरा प्लांट है, इसके भी सीड्स आप देख सकते हो कितने ईजीली निकल रहे हैं। और अभी मैं इनको कलेक्ट करके रख रही हूँ, कुछ मैंने रख भी लिए हैं। तो ये देखिए ये भी इस तरह से लंबे लंबे हैं। तो इस तरह से इसके अलग अलग शेप में जो फूल आते हैं वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका जो शेप है कुछ और है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको टच करेंगे तो इसके जो फूल हैं अपने आप, सीड्स हैं अपने आप हाथ पे आ जाते हैं। तो आप इनको इजीली कलेक्ट करके रख सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो इसके सीड्स हैं वो पक जाने चाहिए। तो यहाँ पे आप, मैं आपको दिखाती हूँ, इसके जो सीड्स हैं खुद ही गिर के ग्रो भी होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप चाहो तो इनको अभी भी ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे जो ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ये दो इसके सीड्स हैं और यहाँ पर भी कुछ और सीड्स गिरे हुए हैं जो कि ग्रो हो चुके हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, मिनी साइज़ रहता है इसका जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप इसको ढेर सारे जो 8 से 10 प्लांटर्स हैं अपने छोटे छोटे पॉट्स हैं उनमें लगा के आप इसकी जो लाइन अरेंज करिए तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए इसका येलो कलर है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ये पूरा इसका जो लाइफ है ख़त्म हो गया है इस प्लांट का। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी भी जो लाइफ सर्कल है बस ख़त्म ही होने वाला है। तो इनके भी मैं सीड्स जो है कलेक्ट करके रख लूँगी। तो ये जो कॉक्सकॉम की ही एक वैरायटी है, जैसे कॉक्सकॉम जो होता है वो विंटर्स में काफ़ी उसके फूल आते हैं, ये बस उसी की एक ड्वार्फ वैरायटी है और जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है और इसके जो साइज़ हैं छोटे ही रहते हैं। तो इस तरह से इसके ब्लैक सीड्स निकलते हैं। और ये है एक कॉक्सकॉम का प्लांट जो कि लाइट शेड में है और ये बिल्कुल अपनी लाइफ ख़त्म कर चुका है और इसके जो फूल हैं बिल्कुल ऑफ वाइट शेड में होते हैं, ना तो वाइट होते हैं ना ही थोड़ा मतलब कि पिंक पिंक शेड होते हैं जो देखने में खूबसूरत लगता है। और इसके जो लीव्स हैं मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बिल्कुल न्यून शेड में आते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और आप इसके सीड्स देख सकते हो बिल्कुल पक चुके हैं और बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो ये प्लांट की जो लाइफ है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो ब्लैक ब्लैक सीड है, और कॉक्सकॉम और जो सिलोशिया है दोनों ही एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों के सीड्स जो हैं एक ही जैसे होते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्लांट है तो आप उसके सीड्स जो हैं कलेक्ट करके रख सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।